जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा और वंशी डीपी के ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं, जो खुद हनुमान जी चला रहे हैं। हार्दिक स्वागत करता हूं। एक भक्त हैं, उन्होंने बताया कि हनुमान जी महाराज मतलब माता की भक्ति वो करती हैं, और उनको हमने भी कभी माता की तरंग बताई होगी, फील भी होती है। कुछ समय से उनको माता की तरंग फील नहीं हो रही थी, तो उनका कहना यह है कि उन्होंने शिव भगवान की साधना की, शिव भगवान का मंत्र किया, तो शिव प्रसन्न साधना हमने बताई थी, बताई है अभी साधना, और लोग भी कर सकते हैं। इस चैनल में है वो वीडियो, ठीक है, वो देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। और उसमें हमने ये भी बताया है कि हनुमान जी महाराज की, शिव भगवान की कृपा कैसे आप सब पे होती है। इन्होंने एक बार ये बात अनुभव की स्वप्न में कि ये काली माता और जगदम्बा माता बेहोश पड़ी है घर में, समझ रहे हो, और भगवान शिव आए हैं, उन्होंने दोनों के सिर पे हाथ रखा है और मंत्र उच्चारण करके उनको चेतना में लेके आए हैं। उठ गई हैं वो और आंख खुल गई। मतलब कहने का ये है कि ये जो दिखा वो क्यों दिखा, शिव प्रसन्न साधना का काम ही यही है कि कोई देवी देवता बंधन में है, मलिन है, या पितृ मलिन है, पितृ बंधन में, उन्हें खोल देना, उनको जागृत कर देना। वैसे ही इस अनुभव में आपको देखने को मिला। इन्होंने ये बताया कि कोई महिला के पास इन्होंने चेकिंग करवाई थी, या खुद गए थे, या कोई आई थी घर पे, तो उन्होंने बताया आपके पास तो माता कालका है। इन्होंने बताया हाँ है कि वो आपकी रक्षा करते हैं। इन्होंने कहा हाँ है, रखती करते हैं रक्षा, जो पहले कभी कभी महसूस नहीं होती थी, वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से या मंत्र जाप से, साधना के जाप मंत्र जाप से वो जागृत हुई, शिव भगवान के मंत्रों उच्चारण से चेतना में आए, और वो वर्क भी करती हैं। उन्होंने उस दूसरी जो साधु वो थी भगतनी थी, उन्होंने इनके ऊपर माता बुला के दिखाई, आई माता, साफ साफ बात नहीं कर रही थी लेकिन आई। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा कि अपनी शक्ति को पहचानो, पहचान के आपको आगे बहुत बढ़ना है। उन्होंने बताया भैया स्वप्न में आप भी दिखते हैं, कभी हनुमान जी भी दिखते हैं, शंकर भगवान भी दिखते हैं, कई कई अनुभव होते हैं, और आप आए थे एक बार, आपने बोला था कि आप बहुत आगे जाओगे। देखो भगवान हनुमान जी महाराज और माता रानी क्या चाहती हैं, जैसा इनके मन में है वैसा ही हो, कृपा हो, अच्छी जगह इनके रिश्ते नाते अच्छे हो जाएं, जुड़ जाएं, इन पे कृपा माता की है, नो डाउट। ऐसे ही बहुत लोगों पे कृपा है जिनकी शक्तियां चली गई हैं, छिन गई हैं, या सो गई हैं, बंधन में हैं, वो शिव प्रसन्न साधना से खुलेंगी 100%, पितृ खुलेंगे, साफ होंगे, मुक्ति होगी, अनुभव होंगे आपको, जो सही से जो कर पाएगा उसी को होंगे, सभी को नहीं होंगे। अच्छा, अब एक बच्चा है जो बोल रहा है कि मैं हनुमान चालीसा दोबारा से पढ़नी शुरू कर दी है, लेकिन मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई होती है जब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। ये दूसरा है, जब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है और मुझे डर लगता है। तो मेरे दोस्त, ये जो समस्या जिसको आ रही है, उसके सबके घर में नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी चाहती है हनुमान जी की पूजा ना करे, इसलिए वो पीछे खड़ी हो जाती है और वो बोलती है छोड़ दो, रोक दो, पूजा मत करो, और बात बात पे लोग तुमसे चिढ़ेंगे, जलेंगे, लड़ाई झगड़े तुम्हारे मिनट मिनट में होंगे। क्यों? घर के ही, घर में ही कलेश होगा, क्योंकि आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, नेगेटिविटी को प्रॉब्लम हो रही है, नेगेटिविटी कलेश घर में करवाएगी ही करवाएगी, ताकि आपकी पूजा पाठ आवेश में आके आप छोड़ दें, काम धंधे भी नहीं बनेंगे। अब ऐसी समस्या है तो 11 हनुमान चालीसा सुबह, 11 हनुमान चालीसा शाम को पढ़ के जल विधि धुनी विधि करें, मंगलवार शनिवार मंदिर जाएं, हनुमान जी कृपा करेंगे। जल विधि धुनी विधि की वीडियो चैनल पे देख लें। जल विधि का मतलब है कि जल को अभिमंत्रित करेंगे हर हनुमान चालीसा कंप्लीट होते ही, साथ में 108 बार ओम राम रामायण में उनको जाप करेंगे सुबह भी शाम को भी, और जब जल अभिमंत्रित हो जाएगा उसे सबको पिलाएंगे, सबको छिड़केंगे पूरे घर में, एक कोने में, और जिस घर में जिस कोने में ज्यादा बदबू आती है, समझ लो नेगेटिविटी वहां है, उसमें ज्यादा छिड़कना है, और धुनी भी उसमें करनी है। धुनी विधि में हमने राही और पीली सरसों, साथ में गंधक वगैरह मिला सकते हो चूरा करके चाहो तो, नहीं तो यही दोनों चीज रखेंगे, तो इससे धुनी विधि करनी है, अभिमंत्रित करते रहेंगे इसे भी, 10-11 दिन में पावर आ जाएगी हनुमान चालीसा में, फिर उससे अभिमंत्रित करके आप इसको धुनी करें। जल विधि सुबह शाम करें, धुनी सुबह शाम करेंगे तो अति उत्तम, नहीं तो रात को एक बार जरूर करके सोएं।
ऐसा करने से आपको लगेगा हाँ मेरे घर में नेगेटिविटी निकल रही है, भाग रही है, जा रही है। और संकट तंत्र उतार विधि वाली वीडियो देखेंगे, उसमें एक जल वाला उपाय उपाय बताया हमने। जल लोटे में जल लेके कुछ उसमें डाल करके पूरे घर में घुमाना है और चौराहे पर डाल देना, वो देखना वो किया करो, उससे भी नेगेटिविटी निकलती है। तो ये सब करने से हमने बहुत चीज बता रखी है। अब छोटी छोटी चीजों के लिए ईमेल करोगे, आप चैनल की वीडियोस देखा करो, उनमें सबके सॉल्यूशन बता रखे हैं। थ्री इन वन वीडियो देख लो, हर थ्री इन वन वीडियो देखो, उसमें आपको अनुभव प्रॉब्लम और उससे सॉल्यूशन मिलेगा। और वैसी अनुभव और वैसे प्रॉब्लम और वैसे सॉल्यूशन आपके लाइफ में आपको करने हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हैं। ये प्रॉब्लम एक के साथ नहीं होगी जो मैंने इसमें इस वीडियो में बताई है। डर लगना, पीछे खड़े हो जाना, घर में कलेश होते रहना, मेरे से कलेश होते रहना, काम ना चलना, दिमाग बंदा बंदा लगना, कोई पीछे खड़े होकर बोलता छोड़ दे छोड़ दे, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। जब बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है तो आप सबको पूजा पाठ ये जो बताया है इसमें मैंने सॉल्यूशन वो करना चाहिए, ताकि हनुमान जी की कृपा आपको मिले। जब हनुमान जी की कृपा मिलेगी, मंगलवार शनिवार मंदिर जाओगे, उनकी नजरों में आओगे, तो उनके गण अपने आप आके आपके घर में समस्याओं को समाधान करना शुरू कर देंगे। एक बार में नहीं होती है कोई समस्या का समाधान, लेकिन हाँ होती है, होती जरूर है। कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं है, तो वो देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। आप ही मन छोटा करके बैठ जाओ, मेरा तो ये काम नहीं हुआ, बेकार है सब, भक्ति होती तो आपकी मर्जी है, लेकिन होता सब है। मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है, एक बार का नहीं है, कई बारों का है। अपने चैनल पर डालता भी रहता हूँ मैं, इस चैनल पर, सॉरी मेरा नहीं है, हनुमान जी का चैनल है, इस पर डालता भी रहता हूँ। आपको पता है, सबको पता है, अपने पास कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। हाँ एक दो अनुभव ऐसे हैं जिसमें आदेश है कि ये बताना नहीं है, तो वो नहीं बताता मैं, जिसमें आदेश नहीं है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अनुभव जो यूनिक हों वो भेजें, प्रॉब्लम जो यूनिक हों वो भेजें, सारी समस्या का समाधान होगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, जो विधियां बताएं वो करें। किसी तांत्रिक वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हनुमान जी खुद आके आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्या को समाधान करें। जय श्री सीताराम।